अब गर्मियों के दिन तो आ ही रहे हैं, चलो उसी के साथ हम सीखते हैं ठंडाई बनाना। सबसे पहले हमें खाली बाउल लेना पड़ेगा। बाउल लेने के बाद हमें गुरुजी ठंडाई या कोई भी मार्केट में अवेलेबल आपके अकॉर्डिंग एक ठंडाई पाउच एक बाउल खाली बाउल में निकालनी पड़ेगी। एंड दूसरी साइड हमें जितने ग्लास के अकॉर्डिंग हमें ठंडाई बनानी है उसी बाउल में मिल्क लेना पड़ेगा ठंडा, उसे इसमें मिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। मिलाने के बाद फिर हमें शुगर अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें डालनी पड़ेगी जिसमें हमने ठंडाई डाली है। डालने के बाद हमें अच्छे से इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करना होगा हैंड मिक्सर से। करने के बाद आप कुछ देखेंगे इसका कलर थोड़ा येलो येलो होगा। मिलने के बाद आप इसमें सारा मिल्क होगा उसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मेश अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने के बाद आप इसे छलनी से अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद आप देखेंगे लास्ट में इसका जो भी पार्ट फेंकने का अनयूज वाला पार्ट बचेगा उसे आप साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद हमें डेकोरेशन के लिए खाली कांच का बाउल इसमें अपनी ठंडाई डालने के बाद उसमें टूटी फूटी आइस क्यूब आइसक्रीम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग अवेलेबल चीज़ें डाल। हम इसे डेकोरेशन के लिए मिट्टी के बर्तन में भी डालकर गुलाब की पत्तियाँ भी यूज़ ले सकते हैं और इसमें इलायची पाउडर डालने से अलग ही टेस्ट फ्लेवर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक। थैंक यू सो मच माय वीडियो वॉचिंग।